मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो YouTube जर्नी है वो एज अ केमिस्ट्री टीचर शुरू हुआ था। तो जब मैं केमिस्ट्री की वीडियोस बनाता था तो मैं केमिस्ट्री के टीचर्स को देखता था। तब अपने प्रदीप क्षेत्रफाल सर थे, अपने गब्बर सिंह ट्यूटोरियल था, उनके वीडियोस देख देख के मैंने केमिस्ट्री सीखी और मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई। और ये टीचर्स बहुत अच्छे हैं। एंटरटेनमेंट की बात करें तो मैं भुवन को बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मतलब हम लोग एक साथ बहुत जल्द अभी मिलने भी वाले हैं और ही इज़ रियली अमेजिंग। उनसे बात होती रहती है तो मुझे लगता है कि भुवन का जो कंटेंट है वो जिस तरह से अपने कंटेंट में मेहनत करते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके अलावा अभी मैं रिसेंटली, क्योंकि मैं खुद भी स्पिरिचुअली अलाइंड हूँ, मुझे स्पिरिचुअल चीज़ें सुनना और देखना अच्छा लगता है, तो जया किशोरी जी हैं, उनसे मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट किया। मैं पहले नहीं जानता था उन्हें, पर जितना जान रहा हूँ उतना महासागर लगता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल एप्पल से पहले स्टीव जॉब्स अमेरिका के एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते थे और उस वक्त उनकी माली हालत इतनी खराब थी कि उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। इसी वजह से वो कॉलेज के पास मौजूद श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में खाना खाने जाया करते थे और वहीं पर गीता का पाठ भी सुनते थे, और शायद इसी वजह से उन्हें इंडिया आने की प्रेरणा भी मिली। लेकिन साल 1971 में जब वो इंडिया आए तो उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब था, क्योंकि इंडिया आते ही उनके पैसे चोरी हो गए। यहाँ तक कि उन्हें पैसों के लिए चूना लगाने की कोशिश भी की गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने इस एक्सपीरियंस को पॉजिटिव वे में लिया, जिसकी प्रेरणा उन्हें उसी श्री कृष्ण भगवान के मंदिर से मिली थी जहाँ पर वो रोज खाना खाने जाया करते थे और गीता का पाठ सुनते थे। वहीं श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही कहा है कि आपके साथ क्या होता है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु उस चीज के लिए आप किस तरह से रिएक्ट करते हो ये आपके कंट्रोल में है। वैसे गाइस, आपको स्टीव जॉब्स की कहानी सुनके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।